नमस्कार, आप देख रहे देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। मेरे हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जॉन का नक्शा बदला तो धर्म के नाम पर नया विवाद शुरू हो गया। मेरे हिंदुस्तान की संसद का नया नक्शा बना तो धर्म के ठेकेदारों ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तकरीबन 100 साल बाद संसद की सूरत बदल रही है तो लोकतंत्र के मंदिर में मुगलिया आर्किटेक्ट वाले सवाल उठाए जा रहे हैं। तालिबान सोच वाले लोग हिंदू तालिबान का एजेंडा चला रहे हैं। मैं सरफराज सैफी सीधा सवाल करता हूं, मेरे देश में कुछ नया होता है तो कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगता है मेरा हिंदुस्तान। मेरे देश की सरकार कुछ बड़ा फैसला करती है तो कुछ लोगों के क्यों चिलचिलाने लगते हैं, कुछ लोगों के मिर्चे क्यों लग जाती हैं, हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा लगातार क्यों चलाते हैं। मैं सरफराज सैफी पूछना चाहता हूं, 100 सालों तक रायसीना हिल की इमारतें हिंदुस्तान की पहचान रही, तब किसी ने इस धर्म के चश्मे से नहीं देखा तो अब क्यों देखा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, 100 साल तक मेरे देश की संसद का ढांचा हिंदुस्तान की शान रहा, तब किसी ने इसे इस्लाम मजहब और हिंदुत्व की नजर से क्यों नहीं देखा तो आज क्यों धर्म की नजर से इसे देखा जा रहा है। मैं सरफराज सैफी आज आपको बताऊंगा कुछ लोग को क्यों खटकता है मेरा नया हिंदुस्तान। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा किसकी आंखों में चुभ रहा है मेरा बदलता हिंदुस्तान। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि मेरे हिंदुस्तान के मजबूत लोकतंत्र से क्यों घबराते हैं देश के दुश्मन। मेरे हिंदुस्तान की संसदीय इमारत और इबारत से क्यों घबराते हैं देश के दुश्मन। मेरे हिंदुस्तान के नए राष्ट्रवाद से क्यों घबराते हैं देश और विदेशी दुश्मन। मैं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद विदेश में बैठे ऐसे हर दुश्मन को राष्ट्रवाद के जरिए बेनकाब करूंगा। मैं हिंदुस्तान की मुखालफत करने वाली हर ताकत को बेनकाब करूंगा। मेरे हिंदुस्तान के विरोध में आग उगलने वाले हर शख्स को लगातार राष्ट्रवाद के जरिए बेनकाब करूंगा, चाहे वो देशी हो या फिर विदेशी। ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। लुटियन का नक्शा बदला तो चिढ़े लुटेरे। नए भारत के मजबूत मैसेज से लगी मिर्ची। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। तालिबान परस्तों का हिंदू तालिबान प्रोपेगेंडा। मस्जिद को ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्ता के प्रोजेक्ट के तहत शहीद कर दिया जाएगा, मुनहदिम कर दिया जाएगा। तो मेरी तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से ये दरखास्त है कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। नए भारत के राष्ट्रवाद से डरने वाले बेनकाब। झूठ चाहे जितने ऊंचे मचानों से बोला जाए, चाहे जितने खुले गले से चिल्लाया जाए, झूठ झूठ होता है। झूठ तब बोला जाता है जब सच के साथ लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, हिम्मत जवाब दे जाती है और इंसान घुटनों के बल आ जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद के खिलाफ, हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी हवा के विरुद्ध एक झूठ सनक के हद तक फैलाया जा रहा है। देश में बन रहे नए संसद भवन को लेकर विदेशी अखबार द गार्डियन के इस लेख पर नजर डालिए। इसकी हेडिंग ही तेजाबी झूठ के साथ लिखी गई है। आर्टिकल में पीएम मोदी को हिंदू तालिबान बताया गया है। लेख में नए संसद भवन के प्रोजेक्ट को लेकर दावे किए गए हैं। द गार्डियन में छपे आर्टिकल में जिक्र सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का है।
लेकिन बड़े शातिरपने और धूर्तता के साथ इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की साजिश की गई है। लिखा गया है कि मुगल आर्किटेक्चर से प्रभावित इमारतों को धराशायी करना भारत से इस्लाम को हटाने की दिशा में उठाया गया कदम है। घृणा, नफरत और कुंठा से भरे इस पूरे लेख में हिंदुस्तान की तरक्की, कामयाबी और मजबूती से मची मरोड़ साफ समझ में आती है। लेकिन सवाल इस लेख का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि विदेश में बैठी वो कौन सी लॉबी है जो हिंदुस्तान के खिलाफ कोरे, सफेद और नफरती झूठ फैला रही है। राष्ट्रवाद में आपको आज सबका पता बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक कर गार्डियन के झूठ से पर्दा उठना जरूरी है। झूठ नंबर एक, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इस्लाम के खिलाफ एक्शन का हिस्सा। सच क्या है? लुटियन जोन में आने वाली दोनों मस्जिदों को सहेजा गया है। गार्डियन में छपा लेख दरअसल उसी कट्टरपंथी, झूठे और मक्कार गैंग का एक्सटेंशन है जो हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान के अमन चैन को बर्बाद करने में लगा हुआ है। नए संसद भवन का प्रोजेक्ट विपक्षी पार्टियों से लेकर दिल्ली सरकार के कट्टरपंथी विधायकों तक को खटकता रहा है। यही लॉबी सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने में लगी है। आम आदमी पार्टी विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने झूठ फैलाया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आने वाली शाही मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा, जबकि शाही मस्जिद के इमाम ने अमानतुल्लाह के झूठ से पर्दा उठा दिया। मस्जिद को ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्ता के प्रोजेक्ट के तहत शहीद कर दिया जाएगा, मुनहदिम कर दिया जाएगा। तो मेरी तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। मेरी तमाम आला अधिकारियों से बात हुई है, मेरे पास नक्शे मौजूद हैं जिसमें मस्जिद को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। खास बात ये कि इमाम को सच बोलने की सजा मिली और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमारतुल्ला खान ने इमाम को उनके पद से हटा दिया। दरअसल एक देश के भीतर कट्टरपंथी जमात, विदेशी मीडिया में बैठी लेफ्ट लॉबी भारत के भीतर के अराजकता से भरे हालातों पर पूरा बखेड़ा रचते हैं। इसके लिए बाकायदा इस लॉबी को इस्लामिक देशों और चीन से फंडिंग की जाती है। अब जरा ऐसे ही कुछ दूसरे झूठों पर भी नजर डालिए। झूठ नंबर दो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बाबरी मस्जिद से तुलना। सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर था। दरअसल राम मंदिर का जिक्र खास तौर से इसलिए किया गया है ताकि देश की मुस्लिम कट्टरपंथी जमात को उकसाया जा सके। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रोपेगेंडा बढ़ाया जा सके कि हिंदुस्तान में मुसलमान और इस्लाम खतरे में है। क्या ये महज इत्तफाक है कि गार्डियन के लेख में इस्तेमाल किया गया हिंदू तालिबान शब्द कांग्रेस के रचे भगवा आतंकवाद जैसा है? जरा पिछले 3 सालों के पन्नों को उलट कर देख लीजिए। देश के भीतर अराजकतावादियों ने हिंसा की एक से बढ़कर एक तस्वीर रची। नागरिकता संशोधन कानून पर फैलाए गए झूठ का नतीजा दिल्ली ने भुगता। जांच एजेंसियों का दावा है कि दिल्ली में दंगे सरकार को बदनाम करने के लिए किए गए ताकि हिंदुत्व के चेहरे वाली सरकार को दोषी ठहराया जा सके। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को ऐसी ही साजिश दिल्ली में रची गई। ट्रैक्टर रैली और लाल किला पर हमले के दौरान पुलिस पर जानलेवा वार किया गया। उद्देश्य ये था कि पुलिस हिंसक भीड़ पर लाठीचार्ज करे, गोली चलाए। इसके लिए जानबूझकर मासूम किसानों को भीड़ में आगे रखा गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने धैर्य के साथ काम लिया। ये सच किसी से छुपा नहीं है कि चाहे किसान आंदोलन हो या नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक आंदोलन, इसके पीछे दो लॉबीज एक्टिव रही हैं। किसान आंदोलन CAA विरोधी गैंग के पीछे कौन थे? दरअसल एक इस्लामिक कट्टरपंथी, दूसरे अर्बन नक्सल। भारत की डिप्लोमेटिक ताकत, भारत की शिष्ट, भारत का संयम, भारत का धैर्य पूरी दुनिया ने डोकलाम में देखा।
चीन कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन धैर्य की कसौटी में भारत खरा उतरा। तो समझना मुश्किल नहीं कि देश के भीतर की राष्ट्रवादी हवा किसके शरीर और आत्मा को छील रही है। ये वो लॉबी है जो इस्लामिक उम्मा और चीनी माओवाद के रिमोट से चलती रही है। देश में बहती राष्ट्रवादी हवा इसे पछती नहीं। आजादी के बाद करीब 70 साल का कमजोर भारत इसे रास आता है। नया हिंदुस्तान इनकी आंखों में चुभता है, खटकता है, क्योंकि नए भारत की संकल्प शक्ति प्रबल है, नए भारत की सैन्य शक्ति दमदार है, नया भारत आत्मनिर्भर भारत है, नया भारत महामारी से मजबूती से लड़ता है, नया भारत दुनिया में मजबूत पहचान रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पड़ोसी मुल्क की आंखों में चुभता है मेरा हिंदुस्तान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आंखों में चुभता है मेरा हिंदुस्तान, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के तालिबानों की आंखों में चुभता है मेरा हिंदुस्तान। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उभरता हिंदुस्तान दुश्मनों की आंख में चुभता रहे मेरी बला से, हम तो दुनिया में हिंदुस्तान का इकबाल बुलंद करेंगे, मेरे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बुलंद करेंगे, मेरे हिंदुस्तान के बुलंद हौसले को और ज्यादा बुलंद करेंगे। मैं सरफराज सैफी फक्र से कहता हूं, ये 2021 का नया हिंदुस्तान है जिसके इरादे बेहद मजबूत हैं, हौसला आसमान छूने का है। मेरा नया हिंदुस्तान ना तो कट्टरपंथी सोच से डरता है और ना ही तालिबानियों से डरता है, ना ही चीन और पाकिस्तान की घटिया सोच से घबराता है मेरा हिंदुस्तान। मैं सरफराज सैफी ये पूछना चाहता हूं, मोदी राज का नया हिंदुस्तान चीन पाकिस्तान को क्यों खटकता है? मोदी राज के नए हिंदुस्तान की तरक्की से क्यों चिढ़ते हैं ये पड़ोसी मुल्क? मोदी राज के सख्त हिंदुस्तान से क्यों घबराते हैं जिनपिंग और इमरान खान? मैं सरफराज सैफी ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान न्याजी साहब से, विदेशी मीडिया के जरिए क्यों चलाया जा रहा है भारत विरोधी मुहिम? मैं पूछना चाहता हूं चीन के हुक्मरान जिनपिंग से क्यों विदेशी एजेंटों के जरिए मेरे हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रच रहे हो, और कब तक ऐसी साजिश मेरे हिंदुस्तान के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ आप रचते रहोगे? इस घटिया सोच को अब बंद करो। हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। अब देश को जहां से भी खतरा होगा वहां पर घुस करके मारेंगे, और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। सेंट्रल विस्टा तो बहाना है, राष्ट्रवाद पर निशाना साधना है, इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों हिंदुस्तान की आत्मा को छलनी करना है। पार्टनर, अब वक्त आ गया है कि इस साजिश को समझें। सेंट्रल विस्टा के बहाने जो तालिबानी सोच वाले कट्टरपंथी हिंदू तालिबान का प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया में चला रहे हैं, उनका टारगेट क्या है? कटोरा लेकर खैरात मांगते इमरान खान को हिंदुस्तान की तरक्की फूटी आंख नहीं सुहाती। एर्दोगान को पता है कि हिंदुस्तान यारों का यार है और दुश्मन के लिए तलवार है। कश्मीर में सालों साल कट्टरपंथी आतंकी प्रोपेगेंडा चलाने वाले दो इस्लामी झंडा बरदार इन दिनों जिनपिंग के पीछे खड़े हैं, और तीनों मिलकर साजिश पर साजिश रच रहे हैं, क्योंकि तीनों की आंखों में खटकता है नया हिंदुस्तान।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि वामी और कांग्रेसी भी वही जुबान बोलते हैं जो हमारे तीनों दुश्मन। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। गोली का जवाब गोले से देगा। और ये हम बोलते नहीं है, जवान की उंगली बोलती है। सेंट्रल विस्टा के तहत लुटियन दिल्ली का नई जरूरतों के हिसाब से मोदी सरकार कायाकल्प कर रही है। प्रकृति का भी यही दस्तूर है, जब नए का सृजन होता है तो पुराना मिटता है। लेकिन चीनी कम्युनिस्टों की गुलामी करने वाले हिंदुस्तानी वामियों को ये बात समझ में नहीं आती। जब देश के अंदर भूखमरी बढ़ रही है, भूख बढ़ रही है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को राहत नहीं मिल रहा है, अगर यही पैसा आप खर्च करेंगे तो किसान को MSP मिलता, ये आंदोलन नहीं होती तरीके से। तो ये सब की जगह ये फजूल खर्चा आज जो कर रहे हो, इससे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। देश में सबसे ज्यादा राज करने वाले कांग्रेसियों की गुलामी वाली मानसिकता को 8 साल पहले देश ने खारिज कर दिया। उनकी तुष्टिकरण की नीति से देश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई, लेकिन अफसोस कांग्रेसियों ने उससे कोई सबक नहीं लिया। वो अब भी उन्हीं तालिबानी सोच वाले जिहादी ब्रिगेड के हाथों में खेल रहे हैं और सेंट्रल विस्टा पर आंसू बहा रहे हैं। प्राथमिकता को समझना जरूरी है। हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं, जो छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। नया भारत न चीनियों की साजिश से डरता है, न इस्लामी आतंकवादियों के खूनी इरादों से। नया भारत आंख में आंख डालकर बात करता है, क्योंकि नया भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। नया भारत सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत। धीरे धीरे दुनिया इस बात को सच मानने लगी है कि कोरोना चीन ने दिया। जब पहली लहर में अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े मुल्क कोरोना से हार रहे थे, तब भारत ने उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए पीएम मोदी का खास तौर से धन्यवाद किया था। इस्लामी कट्टरपंथियों और वामियों को हिंदुस्तान इसलिए खटकता है क्योंकि भारत दुनिया को दर्द से निजात दिला रहा है, जबकि चीन मौत बांट रहा है। 37 लाख से ज्यादा लोगों का कातिल चीन वायरस बम छोड़ता है तो भारत रिकॉर्ड समय में 90 देशों को 6,60,00,000 डोज वैक्सीन के दे देता है। इनमें वो गरीब मुल्क भी हैं जिन्हें भारत ने मुफ्त में वैक्सीन दी है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय फोरम में प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है। इसके पीछे हमारे दो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनमें एक आतंकियों का होमलैंड पाकिस्तान है तो दूसरा आतंकियों को हथियार और पैसा मुहैया कराने वाला चीन, क्योंकि LAC और LOC पर हमने दोनों को करारा जवाब दिया।
हेकड़ी दिखाने वाले चीन को पहले भारत ने गलवान में पीटा, फिर गलवान से उसके टैंकों को बैरंग भाग जाने को मजबूर कर दिया। सुरक्षा परिषद में चीन, पाकिस्तान और इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रोपेगेंडा के बावजूद भारत आठवीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। चीनी चालबाजों और उनके पिट्ठू इमरान खान को यही नहीं पच रहा, लिहाजा अब इंटरनेशनल मीडिया के जरिए भारत की राष्ट्रवादी हवा के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में ये जुट चुके हैं। वो दुनिया में ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत इस्लामी पहचान को मिटाना चाहता है, जबकि भारत ही वो मुल्क है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राष्ट्रवाद में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा आपको बताऊंगा कि मेरे हिंदुस्तान और आपके हिंदुस्तान के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश की पोल खुल गई है। भारत की छवि खराब करने की इंटरनेशनल साजिश का सच अब सबके सामने आ गया है और ये कोशिशें पिछले कुछ सालों से बार बार हो रही हैं, बार बार की जा रही है। मैं सरफराज सैफी आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरे देश की सरकार ने नागरिकता कानून बनाया तो विदेशी ताकतों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मेरे हिंदुस्तान ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मेरे हिंदुस्तान के नए लद्दाख का नक्शा तैयार किया तो पड़ोसी मुल्क चीन ने बॉर्डर पर नई साजिश शुरू कर दी। मेरे हिंदुस्तान को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, बार बार की जा रही है। मैं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद के जरिए आपको बताना चाहता हूं मेरे देश को कमजोर करने की साजिश देश में भी हो रही है और विदेशों में भी हो रही है। मेरे देश के किसान भाइयों को लगातार भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और इस सब के लिए विदेशों से बड़ी तादाद में फंडिंग भी हो रही है, विदेशों में साजिश भी रची जा रही है। मैं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद में देश विदेशी साजिशों के चेहरे से लगातार नकाब हटा रहा हूं और आगे भी हटाऊंगा। आज देश विदेशी हंगामा जीवियों के चेहरे से नकाब भी हटाऊंगा, देश विरोधी ताकतों के चेहरे से नकाब भी हटाऊंगा, देश विदेश में बैठे एजेंडा चलाने वालों के चेहरे से भी लगातार नकाब हटा रहा हूं और आगे भी हटाऊंगा। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं नए भारत के राष्ट्रवाद से कौन डरा हुआ है, नए भारत के राष्ट्रवाद से किसको डर लग रहा है। नए भारत के राष्ट्रवाद के नाम पर लगातार जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है अब उसको रोकने का वक्त आ गया है। इस्लाम के नाम पर देश विरोधी गैंग काम पर। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी का एक विधायक इन दिनों इस्लाम के नाम पर डर्टी गेम खेल रहा है। पहले उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मस्जिद तोड़े जाने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। जब मस्जिद के इमाम ने ही उसकी पोल खोल दी तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर बैठा यह विधायक इमाम के पीछे पड़ गया। महंत का सिर धड़ से अलग करने का दम भरने वाले इस प्रोपेगेंडा जीवी ने इमाम की इमामत पर ही तलवार चला दी, उनकी इमाम के पद से छुट्टी कर दी। क्योंकि उस शख्स ने जो आप सल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी जुबान काट ली जाए। मस्जिद जाब्तागंज के ताल्लुक से किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होने का या मस्जिद को डैमेज होने का कोई भी खदशा नहीं है, किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं।
दरअसल अमानतुल्ला देश विरोधी गैंग का नया चेहरा है। ऐसे ही कितने गैंग हैं जिन्हें नया हिंदुस्तान खटकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे दर्जनों गैंग हैं जिन्हें नया हिंदुस्तान खटकता है। इनमें शाहीन बाग गैंग जिसने एनआरसी सीए पर देश को भरमाया, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए, अराजक गैंग जो बॉर्डर से विलेज तक किसानों को भड़काने में लगा है, टूलकिट गैंग जो विदेशों में देश की छवि बिगाड़ने में लगा है, और गुपकार गैंग जो कश्मीर की सत्ता पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठा है। इनमें नया गैंग इस्लामिक जिहादी गैंग है जो शरिया से देश को चलाना चाहता है। सल्लम की शान में गुस्ताख नरसिंहानंद जो डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी की है उसके खिलाफ मैं यहाँ एफआईआर कराने आया हूँ कि ऐसे आदमी को एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उस शख्स ने जो आप सल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो हुक्म है कि उसका सर कलम कर दिया जाए या उसकी जुबान काट ली जाए। जब देश से घुसपैठियों को मार भगाने के लिए सरकार ने एनआरसी और सीएए का कानून लागू करने की बात कही तो शाहीन बाग गैंग एक्टिव हो गया। इस गैंग ने महिलाओं से लेकर बच्चों तक को टूल बनाया और अफवाह फैलाई कि सरकार मुसलमानों को देश से निकालना चाहती है। अब विदेशी मीडिया भी सेंट्रल विस्टा पर यही प्रोपेगेंडा कर रहा है। हम तो जेल जाएंगे भाई, हमने करा, हम यहाँ पर आगे पक्के वारंट बनाते रहो और लोगों को जेल भेजते रहो, वारंट लिखत पड़ा था, वारंट बनते रहे, लोगों को जेल भेजते रहो, हम जेल जाएंगे। क्योंकि बहुत शौक है ना पुलिस प्रशासन को, यहाँ के विधायक को, तो ये है कि अपना जेल जाएं, भेजते रहेंगे और जाते रहेंगे। ऐसा ही षड्यंत्र किसानों के साथ अराजक गैंग ने रचा। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए तीन कानून बनाते ही अराजक गैंग बॉर्डर पर जमा हो गया। अब तो बॉर्डर से विलेज तक किसानों को भड़काने की साजिश हो रही है। कभी फसल जलवाने का षड्यंत्र तो कभी खेती छोड़ने का षड्यंत्र। अब टिकैत एंड कंपनी जेल भरो वाली साजिश में जुट गई है। किसान आंदोलन का फायदा विदेशों में बैठे देश के दुश्मनों ने उठाया। टूलकिट की साजिश का पर्दाफाश होते ही उन चेहरों से नकाब उठ गया जो इस खेल का हिस्सा थे और देश को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों खेल रहे थे। इसमें बेंगलुरु की दिशा रवि तो स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग जैसी पर्यावरण एक्टिविस्ट शामिल थी जिन्हें मोटी रकम देकर देश विरोधी एजेंडे में शामिल किया गया। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद हिंदुस्तान की छवि को खराब करना था। लाल किला कांड भी देश को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इस्लामिक जिहादी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फंड जुटाया और ग्रेटा थनबर्ग के जरिए उसे दुनिया भर में फैलाया, लेकिन भारत की एजेंसियों ने जल्द ही साजिश का पर्दाफाश कर दिया और हिंदुस्तान के दुश्मन बेनकाब हो गए। वामपंथियों के साथ साथ कांग्रेस भी टूलकिट के कांडकारियों का बचाव करती रही। जिन्हें खटकता है नया हिंदुस्तान, गुपकार गैंग की राष्ट्र विरोधी साजिश, कश्मीर में हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा। धारा 370 हटाए जाने के बाद गुपकार गैंग ने देश विरोधी एजेंडा जमकर चलाया। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के गुणगान गाती रही तो फारूक अब्दुल्ला चीन को अपना आका बनाने चल पड़े, लेकिन जब घाटी में तिरंगे का अपमान होता है तो इनके मुंह से चू तक नहीं निकलती। कश्मीर में मर्ज का इलाज जारी है। हिंद के दुश्मनों को सत्ता से भगाया गया है और जिहादी आतंकियों को कब्र में सेना भेजने लगी। अब ऐसा ही वामी इस्लामी जहर लक्षद्वीप में बोया जा रहा है, जहां सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनों में बदलाव कर रही है, लेकिन देश विरोधी गैंग लक्षद्वीप के विकास को इस्लाम विरोधी बताकर हिंदुस्तान को बदनाम करने में लग गया है। जाहिर सी बात है, अब वामी इस्लामिक कट्टरपंथी जमात से सावधान रहें और देश विरोधी ताकतों के एजेंडे को कामयाब नहीं होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे देश के दिल में, दिल्ली में बड़ा बदलाव हो रहा है, मेरे देश की राजधानी में बड़ा बदलाव हो रहा है और खलबली मची है कुछ मुल्कों में। मेरे देश में नई संसद बन रही है और विरोधियों के ईरान के आर्किटेक्ट की चिंता सता रही है, विरोधियों को समरकंद के आर्किटेक्ट की चिंता सता रही है, विरोधियों को मुगलिया आर्किटेक्ट की चिंता सता रही है। मैं सरफराज सैफी,
इन तमाम मुल्कों और उनकी शख्सियतों से साफ कहना चाहता हूं, मेरा हिंदुस्तान अपनी संस्कृति का सम्मान करना जानता है, मेरा हिंदुस्तान अपनी परंपराओं का भी सम्मान करना जानता है, मेरा हिंदुस्तान अपनी रवायतों का भी सम्मान करना जानता है, मेरा हिंदुस्तान अपने माजी का भी सम्मान करना जानता है। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मेरे मुल्क पुरानी इमारतों का गौरव भी बनाए रखेगा और नई गौरवशाली परंपराएं भी गढ़ेगा। नई संसद में पुरानी संस्कृति के दमन के सवाल उठाना बंद कीजिए, क्योंकि विकास के नए रोडमैप में धर्म की जंग का मौका बिल्कुल मत तलाशिए। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार, शक्तिशाली हिंदुस्तान से डरे गद्दार, कट्टरपंथी जमात लेफ्ट की लॉबी एक्टिव, हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश, भ्रम और भयंकर साजिश वाला आंदोलन देश में चल रहा है। किसानों के नाम पर अराजकतावादियों ने झूठ का पूरा बवंडर खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन झूठ से पर्दा उठ चुका है। एक के बाद एक फर्जी किसानों के टिकैती गैंग का हर एक दांव फेल हो रहा है। याद रखिए, ये वही गैंग है जो दिल्ली हिंसा के आरोपियों, दंगाइयों और खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर लहराकर खुद को असली किसान बताती फिरती रही है। लेकिन एक बार नहीं, हजारों बार इस गैंग के पीछे खड़े चेहरों पर लगे नकाब उतरते रहे और लाल झंडा ब्रिगेड बेपर्दा होती रही। फर्जी किसान आंदोलन के पीछे वही माओवादी लाल ब्रिगेड है। लाल ब्रिगेड की निष्ठा चीन के प्रति रही है, जो झूठ और प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर रही है। आंदोलन जीवियों की वो गैंग है जो बिना मुद्दे के छाती कूटती घटना स्थल पर पहुंचने में माहिर रही है। वामपंथी गिरोह का एक ही मकसद रहा है, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना। भाई और बहनों, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इसी रक्त पिपासु गैंग ने 26 जनवरी पर खूनी क्रांति की साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। माओ के चेलों की किसान आंदोलन के रूप में खड़ी की गई ये वो जहरीली साजिश थी जिसका मकसद देश में अराजकता के बीज बोना था। इसी मकसद से किसान आंदोलन में शाहीन बाग की एंट्री हुई, अलगाववादियों के समर्थन में पोस्टर लहराए गए, खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में पोस्टर लगे। 5 लाख लोग हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का। जरा इसे समझिए कि कट्टरपंथी जमात का जिहादी शर्जिल इमाम आखिर चिकन नेक को काटकर हिंदुस्तानी फौजों को रोकने की साजिश किसके भले के लिए कर रहा था। भारत के एक हिस्से को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से यही चिकन नेक जोड़ती है। डोकलाम विवाद के समय भी इस चिकन नेक पर भारतीय फौजों ने जबरदस्त तैयारी की। जाहिर है इस इलाके में भारत के कमजोर होने का मतलब होता चीन का मजबूत होना। तो क्या ये समझना मुश्किल है कि इस्लामिक कट्टरपंथी और लेफ्ट किसके लिए साजिश कर रहे हैं? किसान आंदोलन में लेफ्ट लॉबी इतनी एक्टिव क्यों है? जब खुफिया एजेंसियों ने किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग का खुलासा किया तो फर्जी किसान नेता इस खुलासे को सरकार की साजिश बताने लगे। हालांकि देश के किसानों को यह साजिश बखूबी समझ आ चुकी थी। कोई नहीं मानेगा जिसकी बात है। हाँ। कोई भी। हाँ। इसमें तो पैसा मिल रहा है या बच्चे या कि जांच लगाई जाए, पैसे कहां से आ रहे इतने?
हम भी किसान हैं, हम पे चुनाव पैसा। 26 जनवरी को ही हिंसा के पीछे भी विदेशी मीडिया में बैठी वामपंथी लॉबी का बड़ा हाथ रहा है। इस लॉबी का खालिस्तानी संबंध भी सामने आ चुका है। वामपंथी एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूलकिट गलती से शेयर की थी उसे पॉलिटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही तैयार कराया था। इसी साल 26 जनवरी को इसके इशारे पर दिल्ली में लाल किला कांड हुआ तो दूसरी तरफ इसने कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी बेशर्मी से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही। तो क्या अब भी ये बताने की जरूरत है कि भारत के खिलाफ कितने बड़े स्तर पर साजिशें रची जा रही हैं? एक तरफ पाकिस्तान तुर्की का इस्लामिक कट्टरपंथ है तो दूसरी तरफ चीन का खूनी वामपंथ। अमेरिका और यूरोप के देश चीन के भेजे कोरोना से त्रस्त हैं, एकमात्र भारत है जो पाकिस्तान तुर्की और चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। फिर चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद से लड़ाई हो या फिर कोरोना से दो दो हाथ, जाहिर है भारत की यही मजबूती दुश्मनों को चुभ रही है, खटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। तो ये था आज का राष्ट्रवाद, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाते जाते आपसे एक वादा करना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर के बाद मैं जी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर लाइव रहूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर लाइव।